प्रैक्टिस से। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए। बड़े बड़े उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल बड़ा छोटा है, मर्म बड़ा है। एग्जाम्पल यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेवेलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सोवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रेड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एनकाउंटर हुए उनके, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर। ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर सैंडविच डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा, उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो, आप लिख दो और फिर उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को मैं कहता हूं जला डालो। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए, MF हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया, सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ 30 सेकंड में, पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस, दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 लाख्स। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग, कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर शी वाज शॉक्ड, 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं, ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की, ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की, 50 लाख की है सर। उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए, 30 साल लग गए। इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रा पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख रुपीज इन जस्ट 30। ये कुछ भी कर सकता है सर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है, हॉकी खेल रहे हैं। प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर, जो रेलवे ट्रैक है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 से घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं, ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे। लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है स्टिक में? कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक,
ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मैं नहीं जानता, मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है।